न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नतीजों को लेकर आज रोमांच जबरदस्त बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए 298 और इंडिया गठबंधन 225 पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर बीजेपी और एनडीए को जबरदस्त झटका लग रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कमाल करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे, जिनमें 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर जबरदस्त बढ़त कांग्रेस ने बनाई है। रायबरेली राहुल गांधी की सीट करीब 2,12,000 वोट से आगे, अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, कानपुर से कांग्रेस ने 3,408 वोटों की बढ़त बना ली है। और महत्वपूर्ण यह होता है कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी सीट से उन्होंने भी बड़ी बढ़त बना रखी है। अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड़ 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 में से 7 सीटें जहां पर कांग्रेस की बढ़त बहुत बड़ी है, कानपुर सीट ऐसी है जहां पर 3,500 के भीतर की लेकिन बढ़त है कांग्रेस पार्टी की। रमेश अवस्थी, बीजेपी की तरफ से नया चेहरा कानपुर में उतारा गया था और फिलहाल उस पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी कानपुर में नजर आ रही है। सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड़ 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ा उलटफेर है। मतलब समाजवादी पार्टी बढ़िया कर रही है और गठबंधन के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी का पूरा साथ देती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 80 में से 44 सीटों पर अपनी धमक दिखा रहा है। देखो रुमाना, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और सीटें वो जीते थे मात्र 15। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।